मृत्यु ही सत्य है, ये बात आज से पहले भी मैंने कई बार सुनी थी, आप लोगों ने भी ज़रूर सुनी होगी, लेकिन इस बात का असली अर्थ आज मुझे फील हो रहा है जब मैं मणिकर्णिका घाट पे आया हूँ। आप में से जिन लोगों को नहीं पता उन्हें मैं बता दूं कि वाराणसी के अंदर टोटल 84 घाट हैं, जिनमें से 2 घाट ऐसे हैं जहां पर डेड बॉडीज जलाई जाती है, और उनमें भी जो सबसे मेन घाट है वो ये है मणिकर्णिका घाट। मेन ये इसलिए है क्योंकि बताते हैं कि यहां पे 2400 घंटे चिताएं जलती है, मरे हुए लोग आते हैं चाहे वो कोई भी टाइम हो रहा हो। अभी 11:13 हो रहे हैं, मैं आपको गूगल टाइम भी चेक करवाऊंगा, अभी तो जस्ट हम आए हैं यहाँ पे, और कम से कम अभी आधे घंटे के अंदर हमने ज़्यादा नहीं तो 10 नई डेड बॉडियाँ आती हुई देखी है। गंगा में उनको स्नान करवाते हुए देखा है और उनको जलाया गया हमारे आगे ही। मेन जो इस वीडियो को बनाने का मुद्दा है कि क्यों मैं वीडियो बना रहा हूँ वो ये है कि वाराणसी में सबसे ज़्यादा हॉन्टेड प्लेस मणिकर्णिका घाट को बताया जाता है। बताया जाता है कि यहाँ पे बहुत सारी आत्माएं घूमती है। मैं आर्टिकल्स भी अटैच कर दूंगा, आप चाहो तो पढ़ लेना या खुद चाहो तो गूगल पे भी सर्च कर लेना। पहले नंबर पे बनारस में सबसे ज़्यादा हॉन्टेड जगह यही है। तो देख लो यार, मेरे पास में EMF मीटर और इंफ्रारेड मीटर दोनों है। इससे पहले कि मैं आपको इनके साथ कुछ करके दिखाऊं, मैं आपको गूगल टाइम दिखा देता हूं। इंडिया टाइम नाउ मैं सर्च कर लेता हूं। ये लो, ध्यान से देख लो भाई, 11:21 हो रहे हैं। और अगर किसी को लगे कि ये टाइम मेन नहीं है और लेट आना चाहिए था, तो ऐसा कुछ नहीं है भाई, यहाँ पे 2400 घंटे यही माहौल रहता है जो आपको अभी मेरे पीछे देखने के लिए मिल रहा है। अच्छा, एक और इंटरेस्टिंग बात है कि यहाँ पे 2400 घंटे लाश जलती रहती है ऐसा बताया जाता है, और ऐसा बताया जाता है कि जिस दिन यहाँ पर किसी भी क्षण लाश ना जल रही होगी ना, उस दिन पूरे वाराणसी में प्रलय आ जाएगा। ऐसा मैंने एक आर्टिकल में पढ़ा था, ऐसा यहाँ के लोकल लोगों का बिलीव है। खैर, अब मैं इससे पहले कि इंफ्रारेड थर्मोमीटर से आपको कुछ दिखाऊं, मैं आपको एक चीज़ बताना चाहता हूं कि यार मेरे ख्याल से ना ये यहां पे काम करेगा नहीं। उसका रीज़न ये है कि यहां पे जो टेम्परेचर आ रहा है, और वहां अगर मैं चीता की तरफ पॉइंट आउट करूंगा किसी पे, तो वहां पे तो टेम्परेचर ओब्वियसली ज़्यादा आएगा ही आग की वजह से। तो ये गैजेट यहाँ के लिए मेरे ख्याल से सफिशेंट नहीं होगा, एफिशेंट नहीं होगा, इनफ नहीं होगा, क्योंकि ये एक करेक्ट आंसर हमें नहीं दे पाएगा। EMF मीटर से ज़रूर मैं इन्वेस्टिगेशन करके आपको अभी दिखाऊंगा, बट यहाँ का ना जो बिलीव है, जो यहाँ की प्योरिटी है ना, उसको ध्यान में रखते हुए ना, मैं कुछ ऐसे वैसे उल्टे सीधे सवाल या उल्टे सीधे शब्दों का प्रयोग नहीं करूँगा, बिकॉज मैं खुद हिंदू हूँ और मैं नहीं चाहूँगा कि हिंदू धर्म की किसी भी तरह से इंसल्ट हो, अपमान हो। EMF मीटर से इन्वेस्टिगेशन करने के लिए मैं आ चुका हूँ थोड़ा नीचे, थोड़ा और करीब उस जगह के, और एक प्रॉपर उस जगह पे जो घाट के अंदर भी इंक्लूड है, और काफ़ी नज़दीक हम, समझ रहे हो आप मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ। ये मैंने ऑन कर दिया है EMF मीटर, हल्की हल्की लाइटिंग इसमें ब्लिंक हो रही है, अब नहीं हो रही। क्या यहाँ पे कोई ऐसी शक्ति है जो इंसान की श्रेणी में ना आए? अगर है ऐसी कोई शक्ति तो क्या आप मेरे आसपास आ सकते हो एक बार? मैं बहुत ही सम्मान के साथ ये सवाल पूछ रहा हूँ, अगर यहाँ पे कोई भी ऐसी शक्ति है जिसे हम ह्यूमंस की कैटेगरी में ना काउंट कर सके, तो आप मेरे आसपास आ सकते हो एक बार? एक माइनर सी लाइट ब्लिंक हो रही है, हल्की हल्की, वो शायद मेरे फ़ोन की वजह से हो रही है, क्योंकि एक हाथ में मैंने फ़ोन पकड़ रखा है जिससे मैं ऑडियो कैप्चर कर रहा हूँ।
देखो ज़्यादा सवाल जवाब मैं यहाँ पे कर नहीं पाऊँगा क्योंकि बहुत ज़्यादा रिस्ट्रिक्शंस हैं यहाँ पे शूट करने की, बट स्टिल मैं आपको करके दिखा रहा हूँ। एक बार फिर पूछ लेते हैं प्लीज़, अगर अभी मेरे बोलने से पहले इसमें लाइट चल रही है। अब यार ये मेरे को थोड़ा सा दूर रखना पड़ेगा। ओ भाई ये तो पूरी पहुंच की पहुंच जल गई। लाश भी आ रही है ना। अच्छा पीछे से लाश भी आ रही है और लाश आते ही, ओ ये देख कितनी 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 जल रही है, इसमें दिख रही है उसमें। अभी अभी पीछे से नई लाश आई है और देखो कितनी ज्यादा लाइटिंग। ओ भाई साहब ये देख, बिना कुछ पूछे यार, इसका मतलब तो यही है कि यहाँ पर ऐसी चीजें हैं, इसका मतलब ये चीजें एग्जिस्ट करती है। ये देखो इसका मतलब ये चीजें एग्जिस्ट करती है, भूत प्रेत भगवान ईश्वर हर तरह की चीजें, नेगेटिव एनर्जी पॉजिटिव एनर्जी एग्जिस्ट करती है, ये उसका प्रूफ है। ये ईएमएफ मीटर क्लियर इंडिकेशंस है। जैसे ही लाश आई है पूरी पांच की पांच लाइट जल रही है क्योंकि एनर्जी फ्लोट कर रही होगी एनवायरनमेंट में जो इसके कॉन्टेक्ट में आई होगी। मुझे नहीं लगता इससे ज़्यादा प्रूफ किसी को ये देना पड़ेगा कि भूत जैसी चीज़ें आत्माओं जैसी चीज़ें होती है। सो बस यार मेरे को यही दिखाना था। जो लोग इन बातों में बिलीव नहीं करते हैं उन लोगों को शायद अब यकीन हो जाएगा कि ये सब चीज़ें होती है और इन्हें लाइटली नहीं लेना चाहिए। मैं बस यही प्रार्थना करूँगा कि हम दोनों के साथ में कुछ भी गलत ना हो, और तो मैं क्या ही कर सकता हूँ। बस यार इससे ज़्यादा मैं कुछ नहीं बोलना चाहूँगा इस जगह के बारे में। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। बाय बाय, टेक केयर।